नमस्कार, मैं सीमा पाल टीसीबी विभाग से होम मैनेजमेंट टीचर। आज की वीडियो में आपको हमारे एक दृष्टिबाधित साथी श्रीनिवास आपको जूसर का यूज करना बताएंगे, किस प्रकार जूसर मशीन से जूस को निकालेंगे। श्रीनिवास, एक मतलब जैसे जूस बनाना तो इसमें बहुत आसान होता है, आपने डाला और वो किया, लेकिन हमें उसकी बाद की सफाई के लिए हमें इसे खोलना और बंद करना आना चाहिए। पहले आप हमें इसे खोल के दिखाइए किस प्रकार से खोलेंगे, और आराम से खोलना। हाँ, यहाँ से ये इसके क्लिप को खोला, फिर दूसरी साइड के क्लिप को भी खोला, फिर अब आप इसे और इसे सुरक्षित स्थान पे रखना, करते हुए सुरक्षित स्थान पे, क्योंकि ये सब प्लास्टिक का है, एक बार अगर गिर जाए तो टूटने का डर है। इधर से निकाला, ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको भी निकालिए जाले को। ये जो इसका ये ट्रैप है, इसको ऊपर को खींचते रहिए, इजीली ऊपर को करो, ये सारी चीज़ें निकल जाएगी, ठीक है। अब इसे भी, इसे जाले को भी रखिए यहाँ पर, ठीक है, वापस से इसको लगाइए। हमने ये श्रीनिवास इसलिए बताया है आपको क्योंकि चलो जूस तो आपने बना लिया, आप इसे ऐसे तो नहीं छोड़ोगे, ठीक है, तो आपको इसे लगाना और निकालना दोनों ही आना चाहिए। इसके बाद जाले लगाइए, तो थोड़ा सा जाले को दबाते हुए लगा, नीचे को पुश कर, नीचे को दबा दो। हाँ हो गया, अच्छे से, ठीक है। अब आप इसका किया तो पीछे का जो इसमें कचरा, मतलब जो इसके ये होता है बीज, वो छिलका, छिलका मतलब अंदर का जो ये गूदा होता है, ये सब इसके जगह इसमें इकट्ठा हो जाता है। इसे कह सकते हैं छोटा सा हमारा डस्टबिन टाइप, जो इसका मतलब हमारा एक्स्ट्रा चीज़ें निकलेंगी जूस से, बीज और इसका गूदा, वो सब इसके अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा। अब इसे ऊपर से ऊपर का लगाइए, आपकी अच्छे से वो देखिए यहाँ पर, एक मिनट रुको श्रीनिवास, यहाँ पर श्रीनिवास आपका ये भाग, आपका ये स्पेस यहाँ पर है, यहाँ पर आपका ये पॉइंट सा निकला हुआ है, ये भाग आगे को निकला हुआ है, इन्हें मिलाते हैं दोनों साइड में है, आप इसको फिट करिए अच्छे से लगाइए और चेक कर लेना दोनों साइड से सही है या नहीं। दूसरी साइड से भी देखो जरा, ठीक है। अब इस क्लिप को आप इसमें पहले पहले लगाइए, नीचे से दबाइए, सेम ऐसे पीछे की साइड वाला भी करिए, ठीक है, हो गया ये आपका। हाँ श्रीनिवास, अब जिसमें जूस निकलेगा वो जो आपका जगह है उसे इसकी टैप के नीचे लगाइए, इधर से लगाइए। ये आप मतलब जैसे कम फ्रूट्स, जैसे हमारे पास हमने कमोस का ही बना रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई गिलास वगैरह भी रख सकते हैं या कोई चौड़ा बर्तन, जो भी आपको सही लगे, या आप अपने इस जग को। अब स्विच बोर्ड में स्विच लगाइए, यहाँ पर हम ऑरेंज का बना रहे हैं, आप चाहे तो हम मिक्स फ्रूट जूस भी बना सकते हैं, कैरेट जूस बना सकते हैं, सब चीज़ें जो आपका जिस चीज़ का भी मन कर रहा है उसका जूस बनाइए। थोड़ा सा ऊपर, अब ऑन करने से पहले स्विच को यहाँ से चेक जरूर कर लेना चाहिए, नीचे से, ठीक है, अच्छा। अब आप ऑन करिए, अब आप इसके अंदर ये फ्रूट्स डाल दीजिए, जितने जा सकते हैं डाल दीजिए जो बचेंगे, डाल दो, सारे ही आ जाएंगे, है ना, सारे डाल दो, आ जाएंगे सारे। चलो कुछ बच रहे हैं तो चलो ठीक है, इसे अभी थोड़ी देर में डालेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये इसमें जो थोड़ा सा ढकने के लिए, ये देखो इसका भी पिन होता है इधर। अब आप देखो
कौन सी स्पीड पे करोगे, हाई पे लो पे? और ये तो ऑरेंज है, आप चाहे लो कर लो चाहे हाई कर लो, दोनों पे ही अभी बंद करिए, बाकी के लिए इस प्रकार ये आपका जूस बनकर तैयार है। अभी हम इसको गिलास में डालेंगे। इस प्रकार आप इस जूसर के द्वारा जूस बनाकर आप चाहे तो कोई प्रोफेशन भी अपना सकते हैं कि जूस वगैरह की, जूस की शेक की आप एक कॉर्नर खोल लो, ठीक है, मतलब आप अपने प्रोफेशन के रूप में भी इसे अपना सकते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल ये एकदम प्योर जूस है। आप चाहे तो मतलब इस जूस को मैं थोड़ा सा, जैसे जूस वाले जो होते हैं आप इसमें थोड़ा जो मीठा पानी डालते हैं उसका भी उसको भी डाल सकते हैं। आप जरा इसे गिलास में डाल लीजिए, ध्यान से डालना श्रीनिवास। इस प्रकार जूस बनकर तैयार है। आप मतलब इसे अपने प्रोफेशन के रूप में भी अपना सकते हैं। श्रीनिवास, जूसर का यूज करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सबको भी धन्यवाद।